किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी, इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब यह लोग उस साधु के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद चार लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव के लोगों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुँचे। गाँव वालों ने साधु को सारी बात बताई, फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थककर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और एक घंटे बीतते बीतते वो भी थककर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, उसने नाचना शुरू किया, एक घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वो नाचता ही रहा। नाचते नाचते दो घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, चार घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों को ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूँगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूँगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होते हैं। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वो उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसीलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।